70 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु का वध कर मांस छोड़कर भागने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल तथा उसका साथी गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, रेडमी का एक मोटरसाइकिल, 700 रुपए नकद व घटना में प्रयुक्त दो चाकू बरामद। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर को वादी मुकदमा रमेश यादव पुत्र रामकरण यादव निवासी गौरी नारायणपुर थाना कंधारपुर वर्तमान ग्राम प्रधान गौरी नारायणपुर थाना कंधारपुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील, वसीम पुत्र सहाबुद्दीन, नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद समस्त निवासी ग्राम खानका थाना बिल रियाजगंज जनपद आजमगढ़ छुट्टा प्रतिबंधित पशुओं को बेचने के उद्देश्य से काटकर एवं उनके मांस को बोरी में भरकर मोटरसाइकिल से ले जा रहे थे कि ग्रामवासियों द्वारा दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु अभियुक्त वसीम व नियाज मोटरसाइकिल से असला लहराते हुए भाग गए तथा अभियुक्त मोहम्मद महमूद पकड़ा गया था, जो अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया तथा प्रतिबंधित पशु के मांस से भरी एक बोरी बरामद हुई, जिसके संबंध में थाना कंधारपुर पर संबंधित मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ऐसे में 21 सितंबर को अभियुक्त मोहम्मद महमूद पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्रामीण खानका थाना बिल रियाजगंज को आजमपुर पुलिया से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं आज 24 सितंबर को प्रभारी निरीक्षक रुद्रभान पांडे मैं हमराह क्षेत्र भ्रमण के दौरान चक फरेंदा में मौजूद थे कि उप निरीक्षक जावेद अख्तर ने सूचना दी कि मोतीगंज बाजार में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति तेज गति से आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रुके और बलाई की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कंधारपुर में हमराह चक फरेंदा चौराहा से निगरानी करते हुए आगे बढ़े तथा फरेंदा मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार का पीछा करते हुए जावेद अख्तर मैं हमराह आते दिखाई दिए। प्रभारी निरीक्षक कंधारपुर मैं हमराह द्वारा मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार सामने से पुलिस बल को देखकर अपनी मोटरसाइकिल बाईं तरफ मोड़कर भागने के प्रयास में गिर गए तथा एक बदमाश गौरी नारायणपुर गाँव की तरफ भागते हुए पीछा करने वाले पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासी ग्राम खानका के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ रवाना किया गया तथा अभियुक्त वसीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम खानका को मौके से गिरफ्तार किया गया।